जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवद प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा 19 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल। बात करेंगे दैनिक पंचांग के शुभ अशुभ मुहूर्त के कि 19 नवंबर को कौन सा शुभ मुहूर्त होगा जब आप कोई भी कार्य कर सकते हैं वह आपके लिए शुभ रहेगा, और कौन सा अशुभ मुहूर्त होगा जिस समय आपको ध्यान रखते हुए कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तो सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं 19 नवंबर 2023 के दैनिक राशि पर और दैनिक पंचांग की। तो सर्वप्रथम बात करेंगे दैनिक पंचांग की। तो 19 नवंबर 2023 यानी कि रविवार का दिन होगा। विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और मांगसिस मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। और उसके नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्र होगा श्रवण नक्षत्र, और करण होगा तैतिल करण, योग होगा वृद्ध योग, और सूर्य भगवान उदय होंगे प्रातःकालीन 6:47 पे और सूर्य भगवान अस्त होंगे सायकालीन 5:37 पे। तो 19 नवंबर 2023 को जो है अशुभ काल यानी कि राहु काल जो होगा, अशुभ मुहूर्त जो होगा वह होगा राहु काल 4:16 सायकाल से लेके 5:37 तक सायकालीन जो है राहु काल रहेगा। तो इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य जिस कार्य से आपको अधिक समय तक लाभान्वित होना है उस कार्य को आपको इस राहु काल में नहीं करना है। तो उस कार्य को करने के लिए आपको शुभ मुहूर्त की जरूरत होगी और वह शुभ मुहूर्त यानी कि अवजित मुहूर्त जो है वह 19 नवंबर 2023 को 2:11:50 से लेके 12:33 तक जो है अवजित मुहूर्त रहेगा। तो इस अवजित मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य जिस कार्य से आपको अधिक समय तक लाभान्वित होना है उस कार्य को आप इस अवजित मुहूर्त में कर सकते हैं। सूर्य भगवान जो है वृश्चिक राशि में संचार करेंगे और चंद्रमा जो है वह मकर राशि पे संचार करेंगे पूरे दिन और रात। अब बात करते हैं मेष राशि से लेके मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर 2023 यानी के रविवार का दिन। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मेष राशि की कि जितने भी मेष राशि के जातक हैं मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर 2023 का दिन। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं मेष राशि के लोगों को अपनी सुविधा अनुसार जो है कार्य प्रणाली के अपने जो कार्य प्रणाली है उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, जिसे करने में आपको संकोच भी नहीं करना है। जो लोग खाने पीने से संबंधित कारोबार करते हैं मेष राशि के जातक तो उन्हें जो है प्रोडक्ट क्वालिटी का विशेष रूप से जो है ध्यान रखना होगा। और जितने भी मेष राशि के जातक युवा वर्ग हैं तो युवा वर्ग जितने भी हैं युवा वर्ग दिन की शुरुआत जो है भगवान शंकर की आराधना से आपको करनी है और साथ ही जो है शिवलिंग पर जो है लाल पुष्प भी आपको समर्पित करने हैं। बाहर के बने भोजन, बाहर अगर भोजन करने की आपकी इच्छा है, बाहर का बना भोजन जो है अगर आप भोजन करना चाहते हैं बाहर का बना हुआ, तो बाहर का बना हुआ भोजन अगर आपका विचार बन रहा है तो घर में ही मंगवा करके अपने मित्रों व परिवार के सदस्यों के साथ आपको इसका आनंद लेना है। सेहत की अगर बात करें तो रक्त से संबंधित रोगों के प्रति थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की जरूरत होगी और पुराने जो रोग हैं वह आपके सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर के बताए हुए परहेज पर जो है आपको सख्ती से पालन करना होगा। जो डॉक्टर ने परहेज बता रखा है उसका आपको सख्ती से पालन करना होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की कि वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर 2023 यानी के रविवार का दिन। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए जो है वृषभ राशि के लोगों के लिए कार्यस्थल पर अपने मूल स्वभाव को आपको महत्व देना है। मन में दूसरों के प्रति हीन भावना आने से आपको रोकना है, बिल्कुल भी दूसरों के प्रति हीन भावना ना आने दे, अन्यथा जो है आपका मूल स्वभाव जो है वह दूषित हो सकता है।
आज के दिन की बात करें तो व्यापारी जो वर्ग है, व्यापार जो करते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन जो है वह सामान्य रहने वाला है और सामान्य रूप से जो है ग्राहकों का आना जाना आज आपके यहाँ बना रहेगा। जिन युवाओं का प्रेम प्रसंग चल रहा है वृषभ राशि के जातकों का, तो उन्हें अपने पार्टनर पर जो है पूरा भरोसा करना होगा, पूरा भरोसा अपने पार्टनर पे आपको करना होगा। रिश्ते में शंका को स्थान आपको बिल्कुल भी नहीं देना है और आज के दिन संतान व परिवार के लोग आपसे जो है आपके पास एकत्रित हो सकते हैं और इस पल को एंजॉय करने के लिए करते हुए अपनी खुशियों को चार चांद लगाएं। इसलिए जो है अपने परिवार वालों के साथ आपको खूब समय, अच्छा समय व्यतीत कर। सेहत की अगर बात करें तो सेहत में जो है कुछ गिरावट हो सकती है, चोट लगने की आशंका कुछ आज दिख रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। बात करते हैं मिथुन राशि की कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर 2023 रविवार का दिन। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, इस राशि के लोगों को जो है दूसरों की गलतियों पर आपको उच्च अधिकारियों की ओर से डांट लग सकती है। दूसरों की गलतियों का जो है थोड़ा सा, दूसरे लोग अगर गलती करेंगे तो उसकी डांट अधिकारियों के द्वारा आपको लगाई जा सकती है। ऐसे में संभावना है कि आपके मन में अधिकारों के प्रति, जो अधिकारी हैं उनके प्रति कड़वाहट आ सकती है और जिन लोगों का जो है मेडिकल स्टोर है मिथुन राशि के जातकों का, तो उन्हें गैर कानूनी तरीके से काम करने से आज थोड़ा सा बचना होगा। गैर कानूनी तरीके से आपको काम नहीं करना है, उससे आपको बचना होगा। जो भी करें वह कानून के दायरे में रह करके आपको करना है और जिन विषयों को जो है विद्यार्थी वर्ग पढ़ चुके हैं, जिन विषयों का अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थी, उन्हें दोहराने का समय जो है फिर से आ चुका है। परीक्षा नजदीक है इसलिए रिवीजन का काम जो है आपको जल्दी कर लेना है और घर में संबंधित वस्तु खरीदने या बदलने का विचार बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए उत्तम है। खरीदारी के लिए आज जो है आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है। सेहत की अगर बात करें तो जिन लोगों को पहले से ही कफ या सीने में जकड़न जैसी समस्या थी, उन्हें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि आपको जो है चेस्ट संबंधित, छाती संबंधित जो है रोग होने की आशंका दिख रही है। बात करते हैं कर्क राशि की कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर 2023 रविवार का दिन। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, कर्क राशि के लोगों को जो है नौकरी पेशा करने वाले जो जातक हैं, तो नौकरी पेशा लोगों को गलती होने पर जवाबदेही आपको आज देनी पड़ सकती है। इसलिए प्रयास करें कि कार्य आपको धीरे करने हैं लेकिन बिना गलती के आपको करने हैं। ग्रहों की स्थिति जो है वह व्यापारी वर्ग के जो व्यापारी हैं कर्क राशि के जातक, तो उनके फेवर में दिख रही है, इसलिए व्यापार को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। युवा वर्ग जो है ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे उन्हें सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़े। लाइफ पार्टनर के साथ यदि किसी बात को लेकर आपकी नोकझोंक चल रही है, हो गई है, तो इस बात को समय रहते ही आपको खत्म करना है क्योंकि ढील देने से बात और भी बढ़ सकती है। सेहत में से अगर सेहत की बात करें तो जितने भी कर्क राशि की गर्भवती महिलाएं हैं, तो गर्भवती महिलाओं को चलते फिरते वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा और फिसलन वाली जगह पे जो है आपको विशेष अपना ध्यान रखना होगा। ऐसी जगह पे आपको न जाना है या आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बात करते हैं सिंह राशि की कि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर 2023 रविवार का दिन। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, सिंह राशि के लोगों पर आज के दिन जो है सुस्ती छाई रह सकती है लेकिन ऑफिशियल कार्यों को करते समय आपको जो है एक्टिव रहना है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो शेयर मार्केट में जो है सिंह राशि के जातक पैसा लगाते हैं, उन्हें जो है शेयरों की खरीदना और बेचना जो है वह आपको सोच समझ करके करना होगा क्योंकि आज आपको कोई बड़ा बड़ा सा जो है झटका लग सकता है। युवा वर्ग जितने भी हैं सिंह राशि के जातक, तो युवा वर्ग अपने प्रयासों को आपको जारी रखना है और भाग्य का सपोर्ट मिलने से ही जो है मेहनत रंग लाएगी। भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, जो आपकी मेहनत है वह भी जो है रंग लाते हुए दिख रही है। यदि घर में रिपेयरिंग जैसे काम पेंडिंग लिस्ट में जुड़े हुए हैं, रिपेयरिंग इत्यादि के काम पड़े हुए हैं, तो आज ही इसे निपटाने में आपको लग जाना है।
है और जल्दी से समय पर काम पूरा आपको कर देना चाहिए, करवाना चाहिए, क्योंकि अचानक से जो है मेहमानों का आगमन आपके घर पे हो सकता है। और सेहत को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें सेहत के, तो डॉक्टर के संपर्क में आपको बने रहना है और बीच बीच में अपना रूटीन चेकअप जो है आपको कराते रहना है। बात करते हैं कन्या राशि की कि कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर 2023 रविवार का दिन। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, कन्या राशि के लोगों के लिए, जो लोग मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया में कार्यरत हैं कन्या राशि के जातक, उन्हें जो है पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा, पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है, अन्यथा जो है यह बाधक बन करके आपके कार्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इससे आपको दूरी बनाए रखनी है। धातुओं से जुड़े जो कारोबार हैं, कारोबार करते हैं कन्या राशि के जातक, तो उनके कारोबार में वृद्धि के योग दिख रहे हैं, लेकिन सौदे में जो है सतर्कता आपको रखनी होगी। युवाओं को जो है, जितने भी कन्या राशि के युवा हैं, तो युवाओं को किसी वाद विवाद में आज नहीं पड़ना है, यह आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि आप बिना बात के आज फंस सकते हैं। यदि पारिवारिक कोई विशेष दिन है, यदि जो है पारिवारिक कोई विशेष दिन है आपके लिए, तो उसे आपको उत्सव के तौर पे आज मनाना है। परिवार के लिए कोई अच्छा दिन है, किसी का जन्मदिन है, तो बड़े ही उत्सव से मनाए। ऐसे मौके जो हैं बहुत कम मिलते हैं जिसमें खुशियों को सबके साथ जो है बांटा जा सके। सेहत की बात करें तो जंक फूड इत्यादि जो है उनको आपको जो है उनसे दूरी रखनी है, क्योंकि जंक फूड खाने से जो है आपको जो है पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं और आपको जो है इन्फेक्शन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए गरिष्ठ भोजन से आपको दूर रहना होगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की कि तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर 2023 रविवार का दिन। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं और जॉब के लिए अगर तुला राशि के जातकों ने इस जो है अप्लाई करा हुआ है कई दिनों से, तो ग्रहों की स्थिति को देख के यह संभावना आपके लिए बन रही है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। जो बिजनेस करने वाले जो हैं तुला राशि के जातक हैं, अगर बहुत दिनों से आपके कार्य में घाटा चल रहा है, तो आर्थिक स्थिति को देखकर जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है, उस फैसले से आपको बचना है। विद्यार्थी जितने भी हैं तुला राशि के जातक, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन जो है वह एक्टिवनेस दिखाने का है, एक्टिव आज आपको रहना है और पढ़ाई के नए तरीके आपको आज खोजने चाहिए, जिससे क्या होगा कि कम समय में आपका जो सिलेबस है वह कवर हो सकेगा। और घर में छोटों की संगत पर आपको ध्यान देना चाहिए, आपकी लापरवाही के चलते कहीं ऐसा ना हो कि जो पीठ पीछे कोई बड़ी बात आपके जो छोटे बच्चे हैं कोई बड़ी बात कर दें, इसलिए उनका आपको ध्यान रखना है। अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए तुला राशि के जातकों को आज हरी सब्जी और फलों का सेवन आपको ज्यादा करना है, और इससे आप हेल्दी तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं तुला वृश्चिक राशि के जातकों की कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर 2023 रविवार का दिन। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो वृश्चिक राशि के जो लोग स्वभाव में क्रोधी हैं या जिनकी तीखी वाणी है, उन्हें कार्यस्थल पर अपनी वाणी और व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण और संयम रखना होगा। दफ्तर का काम हो या व्यापार की जो है व्यापार की जो बारीकियां हैं वह हो, 100% परिश्रम और सतर्कता आज आपके लिए जरूरी रहेगी, वरना आपको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। युवा वर्ग जो है वृश्चिक राशि के जातक, जो युवा वर्ग हैं, तो युवा वर्ग को गैर जरूरी यात्रा पर आज रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि यात्रा के दौरान आप जो है आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से परेशान हो सकते हैं। अंतरिक्ष में चल रही ग्रहों की स्थिति को देखते हुए परिवार में कुछ फैसले आपके विरुद्ध आज हो सकते हैं, तो ऐसे में गलत प्रक्रिया देने से आज आपको बचना होगा और हेल्थ का, स्वास्थ्य का जितना हो सके सादा सुपाच्य और पौष्टिक आहार को ही अपनी डाइट में आपको शामिल करना है। प्राय जो है इस तरह का भोजन आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा। बात करते हैं धनुराशि की कि धनुराशि के जातकों के लिए 19 नवंबर 2023 रविवार का दिन कैसा रहेगा। तो धनुराशि के लोगों को जो है अपने स्वभाव में थोड़ा सा लचीलापन लाना होगा, जैसा देश वैसा भेष, यह कहावत के अनुसार जो है आपको हर वातावरण में अपने आप को ढालना है।
जो लोग आयात और निर्यात का काम करते हैं उन्हें व्यापार में नुकसान होने की आज आशंका दिख रही है, और युवा वर्ग की अगर बात करें तो उसमें जो है सीखने और सिखाने की इच्छा आज बनी रहना जरूरी है। इसलिए यदि दिल के किसी कोने में भी यह इच्छा आपकी है तो उसे आपको जागृत करना है, और घर में आध्यात्मिक माहौल के लिए कोई अनुष्ठान भी आपको कराना है। कोशिश हो कि सभी सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से इस अनुष्ठान में, इस पूजा में जो है भाग ले सकें। सेहत में लंच या डिनर के बाद तुरंत बैठने और लेटने से आपको बचना है, अन्यथा गैस, एसिडिटी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कोशिश करें छोटी सही पर एक वॉक आपको जो है भोजन के बाद जरूर करनी है। बात करते हैं मकर राशि की, कि मकर राशि के जातकों के लिए 19 नवंबर 2023 रविवार का दिन कैसा रहेगा। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, मकर राशि के लोगों ने यदि नौकरी और काम जो है दोनों के लिए कोई योजना बनाकर अगर आपने रखी थी तो आज के दिन जो है कार्य योजना के माध्यम से आपको निश्चित रूप से जो है सफलता मिलेगी, और व्यवसाय में किसी बड़े परिवर्तन या नए व्यापार का प्रारंभ जो है ध्यान पूर्वक व सोच समझ कर ही आपको करना है। आज के दिन की अगर बात करें तो जितने भी मकर राशि के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी वर्ग जो है पढ़ाई के अलावा मनोरंजन वाले कार्य भी आज कर सकते हैं, और बच्चों के साथ समय व्यतीत आज आपको करना है। उनसे बातचीत करके, उनकी समस्या जान करके उस समस्या को दूर करने का आपको प्रयास करना है। आशंका है कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए उनकी बातों को आपको जरूर सुनना है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में यदि बात करी जाए तो मकर राशि के जातकों को किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन करते हैं तो उसे आपको नियमित रूप से रखना है, और अनियमितता स्वास्थ्य के लिए कुछ हानिकारक हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर 2023 रविवार का दिन। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, इस राशि के नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं तो ऐसे लोगों का मानसिक तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप को जितना ज्यादा हो सके शांत रखना आपको होगा। क्रोध आपको जो है आज कम करना है, इसलिए जितना आप अपने को शांत रखेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। व्यापारी वर्ग जो है नए व्यापार के प्लानिंग कर सकते हैं, जो कुंभ राशि के व्यापारी हैं। लेन देन में भी जो है मुनाफे के आसार आपके दिख रहे हैं, और कंपटीशन करना जो है वह अच्छी बात है, पर इन दिनों थोड़ा सा विद्यार्थी जो वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग को अपना सारा फोकस जो है अभ्यास और परीक्षा पर ही आपको देना होगा। इधर उधर अपने मन को नहीं भटकाना है। परिवार में यदि अभी तक कोई वाद विवाद चल रहा था तो आपकी सूझबूझ से वह वाद विवाद भी जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब यदि मौसम जो है मौसम तेजी से बदल रहा है तो दिनचर्या में भी तो कुछ बदलाव आपको जो है लाने होंगे, अन्यथा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है। बात करते हैं मीन राशि की, अंतिम राशि जो मीन राशि है, मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर 2023 रविवार का दिन। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, मीन राशि के लोगों को जो है लाभ पाने में आज आप सक्षम रहेंगे, और वह लाभ जो है आपके किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। व्यापारी जो वर्ग है मीन राशि के जातक, तो व्यापारियों को नया स्टॉक रखना जो है शुरू कर देना है चाहिए, और इसलिए जो है इससे भविष्य में आपको लाभ होने की आशंका संभावना बनते हुए दिख रही है। युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग जितने भी हैं मीन राशि के जातक, तो युवा वर्ग को करियर के क्षेत्र में जो है हर एक कदम जो है आपको फूंक फूंक करके आगे रखना होगा। छोटी सी लापरवाही, क्योंकि जो छोटी सी लापरवाही है वह लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए आपको जो है धीरे धीरे अपने कार्यों को करना होगा, और क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपको जो है फंसा सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के जो है साथ बहस करने से आपको बचना है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बिल्कुल भी बहसबाजी नहीं करनी है, और उनके साथ बहस करने से जो है आप घर के बड़े सदस्यों के साथ साथ छोटे सदस्यों की नजरों में भी गिर सकते हैं, तो इसलिए उनसे बिल्कुल बहसबाजी ना करें। सेहत के लिहाज से अगर बात की जाए
तो जिन लोगों को मीन राशि के जो जातक हैं, तो जिन लोगों को बीमारी के चलते इलाज आपका चल रहा था, तो वह अपने सेहत को लेकर आपको खास सजग रहना होगा। और आज के दिन थोड़ा सा आपकी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ सकती है, इसलिए इस तबीयत का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए 19 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा, इसकी जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको अवगत कराए, और 19 नवंबर 2023 का दैनिक पंचांग की जानकारी भी आपको अवगत कराए। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक माता भगवती आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता।